तीसरी बार अपडेट होंगे। 23 ऑफिसर्स, 1500 जवान, 370 फैमिलीज, फिर इन बच्चों और औरतों की तादाद 1200 तक पहुंच चुके हैं। इन द नंबर स्टिल ऑन द राइज। हालत जंग में ऐसा ही होता है। इससे बुरा और क्या होगा यार। इस वक्त सबसे बड़ा मसला म्यूटनी है। हमने जिन बंगाली सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी थी वो जाके बागियों से मिल गए। अब अपने ही 6000 सोल्जर से लड़ना पड़ेगा हमें। हमारे 150 जवानों को कत्ल करने की क्या जरूरत। ढाका की क्या सिचुएशन है? जी सर, मुजीबर अवामी लीग के सर जो लोग थे जिनको सर गिरफ्तार किया गया था, हमारी आर्मी बहुत अच्छे तरीके से सर मशकूक इलाकों की तलाशी कर रही है। वड़वा किश्तियां जयसूर सर, वहां पर भी यही सिचुएशन सेम। सर अनदर बैड न्यूज, जयसूर से भी एक वायरलेस मैसेज आया है कि हमारे सब पाकिस्तानी ऑफिसर्स और जवान बच्चों की शहादत कर दी गई है, और साथ एक थ्रेट भी दिया है कि वो हमें मारने ढाका आ रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेट्स प्रे फॉर देम। सर मैं कहता हूं कि हमें उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उनको उनके बिलों से निकाल कर सरेआम कत्ल करना चाहिए ताकि उनकी आने वाली नस्लें अपने लोगों के खिलाफ हथियार उठाने से पहले 100 दफा सोचें। फर्रुख, ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान जो बंगाली कैप्टिव्स हुए हैं, प्लान फॉर लिमिटेड लैक्सिटी फॉर देम। ओके सर। और इन तमाम कैप्टिव्स के केसेस हमारे पास चलेंगे और हमारे पास ही से क्लियरेंस होगी। नोट दैट डाउन। गॉट इट सर। एक सच्चा सोल्जर वो नहीं होता है जो अपने सामने खड़े दुश्मन से नफरत करता है, बल्कि वो होता है जो अपने पीछे खड़े दुश्मन से हिफाजत करता है। Are we clear? Yes, sir.